चाहिए भैया, कितना मजदूर बेचारा परेशान हुआ होगा। तो बहुत है, लॉकडाउन में मार चुकी है और अब तक खड़े नहीं हुए लोग। ये सहारनपुर तहसीलदार साहब ने इनकी नीलामी करी है, उनकी सरपरस्ती में ये नीलाम हुआ है और तकरीबन ये 21 लाख रुपए की साइकिल हमने परचेजिंग करी है। ये 5400 साइकिल हैं ये। और ये कोरोना काल में जो लोग अपने घर जा रहे थे प्रवासी मजदूर या और भी अदरवाइज कोई लोग थे जो साइकिल से अपने घर जा रहे थे, ये उन लोगों की साइकिल हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रेन से, बस से, सफ़र ट्रांसपोर्ट से भेजा है, बाकी उन लोगों की साइकिलें यहाँ जमा हो गई। गवर्नमेंट को भी इसका काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इतनी सारी साइकिल का, उन्होंने इसके उसके बाद नोटिस देने के बाद फिर इसको नीलाम कर दिया है। क्या लगता है कि प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट तो ये हमने ये सोचा था कि जैसे कि अंबाला रोड पे माल पड़ा हुआ है तो हमने सोचा था यहाँ मज़दूर काफ़ी आएंगे लेने के लिए, आसपास के गाँव के आदमी आएंगे, लेकिन एक तो गर्मी के कारण और ऐसा लगता है मंदी का भी दौर चल रहा है जिस वजह से लोग बाग साइकिल खरीद नहीं पा रहे हैं और हालात भी साइकिलों के अच्छे नहीं हैं। ये सब टूटी फूटी साइकिलें निकली हैं, अच्छी साइकिल इसके अंदर निकली नहीं। इसी के बाद हमने क्या नाम है, अब 15 दिन 10 दिन इंतज़ार करने के बाद इस पर कटर लगा के कटवाना चालू कर दिया है। एक साइकिल की कीमत क्या पड़ेगी? तकरीबन एक साइकिल की 400 या 300 कुछ ऐसी समथिंग है। 21 लाख में वो हमने भी गिनती नहीं करी थी साइकिल की, हमें तहसीलदार साहब ने 5400 ये साइकिल बताई थी, तो हमने तो तहसीलदार साहब की बात को मानते हुए 5400 साइकिल में हमने 21 लाख में ले लिया था। तो हमने वो वन पीस का कोई ऐसा इरादा नहीं बनाया था कितने की है कितने की नहीं है। देखिए, जो कोरोना की पहली लहर थी, पहली लहर के दौरान विभिन्न प्रांतों से तमाम श्रमिक यहाँ जो है सहारनपुर से जो है अपने अपने गंतव्य स्थान पर जो गए थे, इस बीच में काफ़ी टाइम के लिए वो लोग यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग में जो है जो रोके गए थे। काफ़ी मजदूरों की साइकिलें थीं जो कि पिछले 2 वर्ष से वहाँ पर जो है पड़ी थी। 2 वर्ष से लगातार राधा स्वामी सत्संग के जो प्रबंधक हैं और हम लोग का जो स्टाफ है उन साइकिलों के जो मालिक हैं उनको जो है टेलीफोन के माध्यम से लगातार उनको बुलाने का प्रयास कर रहे थे, पर पर्याप्त सूचना के जो बावजूद काफ़ी साइकिलें वहाँ पड़ी थीं, ऐसी साइकिलें थीं जिनके जो है मालिक जो मजदूर थे जो विभिन्न प्रांतों के, बिहार के थे, कोई आसाम का था, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का था, वो लोग अपनी साइकिल यहाँ से नहीं ले गए थे। इसी बीच में राधा स्वामी सत्संग का प्रांगण भी चूँकि खाली कराना था, इसके संबंध में उनके जो व्यवस्थापक हैं, जो मैनेजर हैं, उनसे भी तमाम जो है निवेदन हम लोगों को किया गया था। ऐसी स्थिति में पर्याप्त सूचना के बाद हम लोगों ने उसको दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन भी कराया था। प्रकाशन के बाद उसको चूँकि वो एक तरह से अब कबाड़ की स्थिति में थी साइकिलें, उसकी नीलामी कराई गई और नीलामी में करीब 250 लोगों ने प्रतिभाग किया है और प्रतिभाग करने के बाद सारे खर्चे काटने के बाद उसमें करीब 19 लाख रुपए की प्राप्ति है। 19 लाख रुपए प्राप्ति, वो जो है अभी पैसा जो है जिला स्तर पर उपलब्ध है। हम लोग एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि जो भी जो है साइकिल के जो मालिक हैं उनको हम लोग एक बार फिर से अपने यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ से फ़ोन कराया जाएगा। अगर उनके खाते हम लोगों को उपलब्ध जो है कराए जाते हैं भविष्य में, तो हम जो भी जितने लोगों की साइकिलें हैं उस समानुपात में जो धनराशि उपलब्ध है उस धनराशि को उनके खाते में भेजने का प्रयास करेंगे। तो ये कहना कि वो साइकिलों की नीलामी करा दिया गया उससे कोई आय प्राप्त है, ये आय प्राप्त करने का कोई मकसद नहीं है, परंतु चूँकि साइकिलें अभी कुछ दिन यदि उसी स्थिति में जो है रहती तो और भी ख़राब करने की संभावना थी, उस स्थिति से बचाने के लिए और उसको हम लोगों ने एक तरह से एक धनराशि में कन्वर्ट करा लिया है। वो धनराशि मजदूरों की सुरक्षित है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका अगर खाता मिलता है तो उन खाते में हम लोग उस पैसे को भिजवा दें। ठीक।